मार्च में जब कोविड ने देश को अपनी चपेट में लिया, तब दूसरे कई राज्यों के उलट बिहार के सामने चिकित्सा की चुनौती तो दरपेश थी ही, साथ ही 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार, कमजोर और परेशान हाल प्रवासी मजदूरों के अपने गृह राज्य लौटने पर जबरदस्त मानवीय संकट भी मुंह बाए खड़ा था। हालांकि सरकार ने इस मुश्किल दौर से पार पाने में उनकी मदद करने के लिए अपनी कोशिशें बढ़ा दी और लोगों के घर घर 23 लाख नए राशन कार्ड पहुंचाए। इसके अलावा बिहार ने जो दूसरे कदम उठाए उनमें 21 लाख से ज़्यादा प्रवासियों के खाते में अंतरिम राहत की रकम जमा करवाना और परेशान हाल लोगों को मनरेगा के तहत 15 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति दिवस का काम मुहैया करवाना शामिल है। एक सर्वे में ये कहा गया है कि बिहार में गरीबी उन्मूलन में 19.8% प्रगति हुई है, जो पश्चिम बंगाल के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रगति है। समावेशी विकास पर बिहार सरकार के जोर का एक सबसे अहम पहलू महिलाओं को ताकतवर बनाना रहा है। 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मुहैया करवाने के बाद राज्य सरकार ने अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दे दिया है। लड़कियों के लिए शिक्षा एक और क्षेत्र है जिस पर राज्य ने ध्यान दिया है। छात्राओं को स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म और साइकिलें देने से लेकर ग्रेजुएशन करने तक 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता और महिलाओं को नौकरी के अवसरों तक बिहार लड़कियों को स्कूलों में लाने में कामयाब हुआ। इससे एक और अच्छा बदलाव आया है। 12वीं कक्षा तक शिक्षित महिलाओं की श्रेणी में राज्य की प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से नीचे गई है। प्रति 1000 की आबादी पर जनधन योजना के तहत खोले गए खाते अगस्त 2018 के 342 से बढ़कर जुलाई 2020 में 445 पर पहुंच गए। मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया करवाए गए परिवारों की तादाद बीते 4 साल में बढ़कर दोगुनी हो गई। 2015-16 में 18 लाख से बढ़कर 2019-20 में 39 लाख हो गई।